दोस्तों, इंडियन सिनेमा के मोस्ट हैंडसम और तेलुगु सिनेमा के टैलेंटेड सुपरस्टार महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म सरकारू वारी पाता, जो कि एक एक्शन फिल्म है, इस फिल्म का इंतजार कर रहे सभी हिंदी ऑडियंस के लिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आई है, जो कि इस फिल्म के विलन को लेकर है, साथ ही में इस फिल्म के हिंदी डब को लेकर है। तो अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस फिल्म से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सुपरस्टार महेश बाबू की एक एक्शन फिल्म है सरकारू वारी पाता, जिसका डायरेक्शन किया है परशुराम ने। इस फिल्म में दोस्तों महेश बाबू के साथ आपको ब्यूटीफुल कृति सुरेश भी नजर आने वाली है। वही दोस्तों, इस फिल्म में विलन के तौर पर रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रेक और अल्लू अर्जुन सर के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर अलावा कुंठ पुरामुल्लो के विलन सामुथी राकानी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दोस्तों सामुथी राकानी का कैरेक्टर काफी भयंकर होने वाला है और उनका साथ देने के लिए एक्शन किंग अर्जुन सरजा भी इस फिल्म में महेश बाबू को टक्कर देने वाले हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि सरकारू वारी पाता की अभी 2 महीने की शूटिंग पूरी बाकी है, जिसको सुपरस्टार महेश बाबू और कृति सुरेश लगातार 2 महीनों तक करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म का एक फर्स्ट लुक पोस्टर आपको 9 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज को लेकर भी एक अपडेट है, वो ये है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगले साल संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली है। हालांकि दोस्तों, संक्रांति पर पवन कल्याण की 28वीं फिल्म PSP के राणा मूवी भी रिलीज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, RRR फिल्म भी संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि महेश बाबू की ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कब रिलीज होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, प्रभास, NTR और रामचरण की तरह महेश बाबू की फिल्मों को भी डायरेक्ट हिंदी में रिलीज होना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।